सीमा हैदर पर कानूनी शिकंजा कसा ही जा रहा है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से पूछताछ चल रही है। यूपी एटीएस पूछताछ में लगी हुई है। जांच एजेंसियों को सीमा हैदर पर शक है क्योंकि सीमा हैदर ने फौजियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पर भेजी थी। कई सवालों पर सीमा हैदर ने चुप्पी साध ली। लगातार कल से ही सीमा हैदर से पूछताछ चल रही है और अब कई सवालों का जवाब सीमा हैदर ने तो दे दिया है, लेकिन कई सवालों पर सीमा हैदर चुप रही और यही वो सवाल जो है शक को गहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सीमा हैदर से पूछताछ चल रही है। पूछताछ में अभी तक ये पता चला कि सीमा हैदर ने कई फौजियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पर भेजी थी। तो सीमा हैदर से पिछले कई घंटों से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। हर सवाल के जवाब में सीमा कह रही है कि वो सचिन के प्यार में बॉर्डर पार कर भारत आई है। कुछ सवालों के जवाब तो सीमा ने दिए हैं, लेकिन कुछ सवालों के कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही है? नहीं नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? नहीं, ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। ठीक है, पूछताछ चलती रहेगी सर। हो गया भाई, हो गया। तो यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। अली इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। कई सवालों का अली जवाब तो दे दिया, लेकिन कई सवालों का जवाब सीमा ने नहीं दिया। लेकिन जिन सवालों को लेकर खबरें सामने आई है उनमें ये है कि कई फौजियों को इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। अब जिस तरह से ये सामने आया है कि फौजियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई, एक तो सीमा हैदर पाकिस्तान से, जिस तरह से ये हिंदुस्तान पहुंची है, गलत तरीके से तीन देशों को क्रॉस किया, शक तो और ज्यादा गहराता जा रहा है कि सीमा सिर्फ प्यार में नहीं बल्कि इसका इरादा कुछ और ही है। देखिए बिल्कुल नीतू, सीमा हैदर एक ऐसी पहेली बन चुकी है जो यूपी एटीएस के लिए सुलझानी बेहद जरूरी है। पूरा देश भी ये जानना चाहता है कि सीमा हैदर कोई जासूस है या सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आई है। हालांकि ऐसे तमाम सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन 15 घंटे की पूछताछ में यूपी एटीएस ने कई सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। पहला के 5 मोबाइल में जो सिम बदले थे उसके आधार पर जो इंटरनेट चलाया गया था, क्योंकि ज्यादातर इंटरनेट कॉलिंग की जाती है आज के डेट में, तो इंटरनेट कॉलिंग में किस किस को कॉल किया और कहां कहां बात की। दूसरी बड़ी बात यह है कि जितने भी इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भेजे वो फौजियों को भेजे। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो उसका पति है गुलाम हैदर जो सऊदी अरब में नौकरी करता है, उसने ये आरोप लगाया है कि उसके चाचा और उसके भाई दोनों पाकिस्तानी फौज में काम कर रहे हैं। भाई आसिफ और उसके जो चाचा है वो गुलाम उनका नाम है और वो दोनों के दोनों पाकिस्तानी फौज में काम करते हैं। हालांकि ये यूपी एटीएस और जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे आईबी हो या एनआई हो, वो ये जानना चाह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि सीमा हैदर का जो पति है वो इसलिए बोल रहा हो कि वो छोड़ के चली गई थी। हालांकि अभी तमाम पहलुओं पर जांच बाकी है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 15 घंटे की पूछताछ में यूपी एटीएस को कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिले हैं, जिसके आधार पर अब आगे की ओर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि आपको एक बात और जानकारी दे दें, अपने तमाम दर्शकों को दे दें कि नीतू, जिस वक्त ये सीमा हैदर पाकिस्तान से शारजा ये दुबई में आता है, शारजा से वापस ये नेपाल, जब ये यहाँ पर नेपाल में लोग मिले हैं तो 2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन ये लोग होटलों में रहे हैं, अलग अलग होटलों में रहे, लेकिन वहाँ काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है वहाँ पर ये लोग रहे। और उसके बाद जो साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं, यानी कि जब किसी कोई होटल में रुकता है तो पहले उसको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है, यानी कि अपना परिचय पत्र देना होता है, पहचान पत्र देना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। तो ऐसे इन बिंदुओं पर भी जाँच की जा सकती है। सबसे बड़ा अपडेट आपको हम दे दें कि जो आईबी की टीमें हैं, एनआईए की टीमें हैं, वो काठमांडू भी जा सकती हैं ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार ये शारजा दुबई से यहां तक जो नेपाल आई वो किस तरीके से आई, और नेपाल से हिंदुस्तान की सीमा में जो दाखिल हुई है सीमा हैदर, वो किसके माध्यम से हुई है। तो अभी जांच चल रही है, लेकिन ये सबसे बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में ये है नीतू, अपने तमाम दर्शकों को दे दें कि केंद्रीय जांच एजेंसियां नेपाल भी जा सकती हैं।
ऐसे में सचिन से भी अभी पूछताछ चल रही है अली। देखिए बिल्कुल नीतू, सचिन और सीमा हैदर से 15 घंटे की पूछताछ के बाद आज उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि वो किसी से नहीं मिलेंगे और ना मीडिया के सामने वो आएंगे, तो इस आधार पर उनको आज घर भेजा गया है। लेकिन जो सवालों के जवाब दिए हैं उसकी पड़ताल चल रही है, यदि उसमें कुछ फेरबदल पाया जाएगा तो एक बार फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन सीमा हैदर ने 5 मोबाइल फोन और 5 सिम क्यों बदले, ये तमाम सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। हालांकि जो सचिन के पिता हैं उनसे भी पूछताछ की गई नेत्रपाल से कि आखिरकार आपका बेटा नेपाल गया और वहां से इतने लंबे समय से वो लेकर यहां रह रहा था, तो आपने जानकारी क्यों नहीं दी थी लोकल पुलिस को। हालांकि इस पूरे प्रकरण में सीमा हैदर जेल जा चुकी हैं, सीमा हैदर एक अब फिलहाल बेल पर हैं, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी अपनाई जा रही है। साथ के साथ जो सीमा हैदर को लेकर की पूरा देश जानना चाहता है कि वो जासूस है या सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आई है, तो ये अभी जाँच होनी बाकी है। तो कई लंबी पूछताछ हुई, कई घंटों की पूछताछ, और अब सीमा को और सचिन को वहां से हटा दिया गया है और कहा गया है कि फिलहाल वो मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे। अली की क्या सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, क्योंकि कई संगठन अगर हम बात करें तो उन संगठनों की तरफ से सचिन और सीमा को लेकर सुरक्षा, उनके सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे कि इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे संगठन दोनों पर आक्रोशित नजर आ रहे, तो क्या सुरक्षा के कुछ इंतजाम किए गए हैं दोनों की सिक्योरिटी को लेकर? देखिए बिल्कुल नीतू, ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा गांव जो है रघुपुरा, वहां पर पुलिस की सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि कई हिंदू संगठनों ने ये अल्टीमेटम दिया था, सरकार से ये आग्रह किया था कि 72 घंटे के अंदर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। इसी के लिहाज से सुरक्षा बढ़ाई गई है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए या पूरे क्षेत्र में किसी तरह का अफरा तफरी का माहौल ना हो, इसी के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन जो जांच चल रही है, जांच का दायरा लगातार जारी है। सीमा हैदर और सीमा हैदर के जो पति हैं सचिन, उनसे कहा गया है कि आप दोनों को चाहे जब बुलाया जाएगा और आपको यहां आना होगा। तो अब यह भी कहा जा सकता है कि जो जांच एजेंसी का दायरा है वो बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि जो पूछताछ में चीजें निकल के आई हैं, जैसे कि सीमा हैदर के चाचा को कहा गया है कि वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सूबेदार की पोस्ट पर तैनात हैं, पाकिस्तान आर्मी में। इसके साथ साथ जो सीमा हैदर का भाई है आसिफ, वो भी आर्मी में अफसर है, तो उसको लेकर की पूछताछ चल रही है कि आखिरकार आर्मी फैमिली से कोई लड़की बिलोंग करती है तो वो कैसे। और बड़ी बात यह है नीतू, आपको बता दें कि सीमा हैदर ने शुरू में बताया था कि उसकी उम्र 27 साल है, लेकिन जब उसके कागज देखे गए हैं, उसके पासपोर्ट पर जो डेट ऑफ